Good morning, students. Today we are going to start chapter number 12 from English grammar book, Use of Was and Were. And let's start with the rules. First rule is use of was. हम was को किसके साथ use करते हैं? I, he, she, it and singular noun. And the rule number 2, use of were. We, you, they and plural noun. आपको जब फिलप्स में यूज़ करना है वॉज एंड वर, इन दो बातों का ही ध्यान देना है कि वॉज किसके साथ यूज़ करना है एंड वर किसके साथ यूज़ करना है. लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स फ्रॉम द ग्रामर बुक. आई डैश सैड व्हेन आई लॉस्ट माय पेंसिल. हमने रीड किया था आई के साथ क्या आता है, वॉज. ही डैश एब्सेंट ऑन मंडे. ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज आएगा. इट डैश विंडी यस्टरडे. इट के साथ वॉज आएगा. शी डैश एन ऑनेस्ट लेडी. शी भी सिंगुलर है तो वॉज आएगा. डैट डैश माई कार. डैट के साथ वॉज, ये भी सिंगुलर में काउंट हो रहा है. द चेयर डैश वेरी स्मॉल. अब यहाँ चेयर है, अगर चेयर्स होता तो हम वर यूज़ करते ना, सिंगुलर है तो वॉज आया है. सुमित वॉज इल. सुमित एक ही बॉय की बात की गई है तो वॉज आया है. द फैन डैश वेरी स्लो. फैन भी यहाँ एस नहीं है, इसके साथ सिंगुलर है तो वॉज आया है. अब वर्क एग्जांपल्स देखो. वी डैश वेरी टायर्ड आफ्टर द मैच. वी मतलब ज़्यादा प्लूरल की बात हो रही है तो हम वर यूज़ करेंगे. योर बुक्स डैश इन योर बैग. बुक्स भी ज़्यादा है तो वर आया है. दे डैश इन ट्रबल. दे हमने रूल में पढ़ा था वी यू दे और बाकी के जो प्लूरल्स हैं उनके साथ वर आता है, तो दे के साथ वर आएगा. देयर डैश नो चिल्ड्रन टू वॉच द शो. अब इसमें चिल्ड्रन की बात की गई है, चिल्ड्रन प्लूरल में काउंट होता है, वर यूज हुआ है. प्रिया एंड टिया डैश ऑलवेज टुगेदर. प्रिया एंड टिया दो बच्चे हैं इसमें तो वर यूज हुआ है. यू डैश नॉट हेल्पफुल. यू के साथ हमेशा वर आता है. विक्की एंड माया डैश इन द पार्क. यहाँ पर भी दो बच्चों की बात की गई है तो वर यूज़ करेंगे. दीज गर्ल्स डैश नॉट इन यूनिफॉर्म. गर्ल्स प्लूरल है तो वर यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों रूल्स को ध्यान में रखकर एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे.